दोस्तों, क्या आप भी कर्ज से परेशान हो चुके हैं और उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि जेठ के महीने में तुलसी से जुड़ा एकमात्र ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो कर्ज से तो छुटकारा होगा ही, साथ ही अचानक से आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। जी हाँ मित्रों, साल के सभी 12 महीनों में जेठ का महीना सबसे बड़ा और विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, क्या आपके ऊपर किसी भी बैंक का लोन चल रहा है जिसको चुकाने में आपको बहुत ही ज्यादा पसीना के सामना करना पड़ रहा है? लाख प्रयास करने के बावजूद भी किसी का उधार लिया पैसा आप वापस नहीं दे पा रहे हैं। आपकी जो कमाई होती है वह कमाई तो आपके घर खर्च में ही निकल जाती है। आप सोचते हैं कि इस महीने 10,000, 20,000 या 50,000 बचाऊंगा या वहाँ से यह पैसा आएगा जिसको बचा के मैं जहाँ कर्ज है मेरा वहाँ पर देऊंगा, लेकिन उससे पहले ही नया कोई खर्चा सामने आ जाता है और वो पैसा वहाँ चपत हो जाता है। तो आज का ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो कि कर्ज से परेशान हो चुके हैं और इसी जेठ के महीने में कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। जून के महीने में अगर आप चाहें तो आप अपने कर्ज को पूरी तरीके से चुका सकते हैं। किस तरह से, क्या क्या उपाय करने चाहिए, कब आपको लाभ मिलेगा, बिना खर्चे का उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। हिंदू धर्म में तुलसी का खास और विशेष रूप से महत्व माना गया है। मित्रों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है ना, तो आर्थिक रूप से आपको उन्नति मिलती है और साथ ही सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। अभी वर्तमान में जेठ का महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को पता होगा कि तुलसी का जो है ना वो सभी देवताओं को बहुत ही ज्यादा प्रिय माना गया है। अगर आप भी तुलसी से जुड़ा कुछ ऐसा सटीक उपाय करते हैं तो आर्थिक संकट आपके दूर होंगे और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं जेठ के महीने में तुलसी से जुड़ा कर्ज मुक्ति वाला पहला उपाय। मित्रों, तुलसी से जुड़ा अगर आप उपाय की बात करें तो ये सभी तरह की आर्थिक समस्याओं को समाप्त कर देता है। जेठ के महीने में हर रोज प्रत्येक दिन सुबह नहा धोकर तुलसी में जल अर्पण अवश्य करें और इसके साथ ही एक आटे का दीपक बनाकर तुलसी के सामने लगाएं और वह दीपक घी का होना चाहिए। और इस बात की ओर भी विशेष ध्यान रखें कि इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग जरूर मिलाएं। अगर आप हर रोज पूरे जेठ के महीने में इस तरह का उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से लाभ होगा, साथ ही कर्ज से भी छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, यानी कि दीपक का मुख उत्तर दिशा में रहना चाहिए। अगर आप जेठ के महीने में हर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो भी शुक्रवार आते हैं जेठ के महीने में, शुक्रवार के दिन अवश्य करें। ध्यान रखें, दीपक ना तो मिट्टी का होना चाहिए ना किसी धातु का, दीपक आपको आटे का बनाना है और उस दीपक में थोड़ी हल्दी और 2 लौंग मिलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और साथ ही तुलसी माता में जल से सिंचन करें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो जल्द से जल्द आप उस कर्ज से काफी ज्यादा हल्के हो पाएंगे, कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय है बजरंगबली को चढ़ाएं तुलसी। जी हाँ मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मंगल यानी कि भगवान हनुमान जी का प्रभाव भी सीधा कर्ज और आर्थिक समस्या से जुड़ा रहता है। आपको क्या करना है, जेठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन 11 तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं और उन सभी पत्तों पर राम राम लिख दीजिए। सभी 11 पत्तों पर राम का नाम लिखने के बाद उन तुलसी के पत्तों की एक माला बनाएं और इस माला को आपके आसपास अगर कोई भी भगवान बजरंगबली का मंदिर है तो वहां पर अर्पण कर दीजिए। अगर बजरंगबली का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर ही भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने ही आप उस तुलसी की माला को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। अगर आपका लंबे समय से कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है, आर्थिक रूप से आपको नुकसान हो रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, और स्पेशली यह उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर सिद्ध होता है जो कि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा लॉस कर चुके हैं। ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, FNO या स्टॉक में, फ्यूचर में अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं या होल्डिंग में भी अगर आपके शेयरों में कोई भी नुकसान हो रहा है ना, या किसी भी प्रकार का डिजिटली आप
काम करते हैं या सर्विस से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, सेवा से जुड़ा मतलब जिसमें माल खरीदना या बेचना नहीं है, सेवा से जुड़ा ऑनलाइन या शिक्षा से जुड़ा कोई भी कार्य हो गया, अगर आपको अपने काम में बार बार नुकसान हो रहा है तो आप एक बार मंगलवार के दिन ये उपाय करके जरूर देखिए और उस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार के बीच अगर आपको फर्क दिखाई दे तो हर मंगलवार को ये उपाय करते रहिए। गारंटी के साथ मित्रों, भगवान श्री बजरंगबली का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों।